हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैं हो गई तैयार और हम जा रहे हैं आज मंदिर। तो हमारे यहाँ किस तरह से गरबा होते हैं और नवरात्रि भी किस तरह से होती है, मंदिर किस तरह से सजाया है, वो सब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको देखनी होगी मेरी पूरी वीडियो, तो बने रहिए वीडियो में आगे एंड तक। और ये देखिए मैं हो गई तैयार, तो ये मैं आपको अपनी साड़ी दिखा रही हूँ। तो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये हम पहुंच गए मंदिर। तो मंदिर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है। और इसी तरह से मंदिर की सजावट की गई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ, तो आप भी आइए हमारे साथ और दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए ये मेरी फ्रेंड, तो वो भी मंदिर आए हुए थे। तो ये हम एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। तो मैं आपको हमारे बाहर की जो सजावट की गई है, मैं वो आपको पूरा मंदिर भी दिखाऊंगी, पूरा ग्राउंड। वैसे मंदिर के बाहर काफी सारा स्पेस है। और हमारे यहाँ राम जी मंदिर और महादेव जी का मंदिर भी, तीनों मंदिर पास पास में ही है। तो तीनों ही मंदिर में बहुत अच्छे से सजाए थे, लाइट्स भी सारी लगवाई थी। और ये देखें, ये है मेरी फ्रेंड्स और ये है भूमि। तो आप इसको मेरे ब्लॉग में पहली बार देख रहे हैं। और ये हम जा रहे थे घर, क्योंकि दर्शन हमने कर लिए थे पर गरबा शुरू नहीं हुए थे, उसके थोड़ी देर थी तो हम घर चले गए थे। और ये देखिए गरबा शुरू हो चुके हैं। तो हम घर जाके वापस आए थे क्योंकि बहुत लेट गरबा शुरू होते हैं। तो फिर हम घर गए थे और 10-10:30 बजे हम वापस आए थे। तो इसी तरह से हमारे गांव में होते हैं गरबा। तो आप देखिए, और मैं वीडियो में आगे म्यूजिक लगा दे रही हूँ और बैकग्राउंड में आपको ज़्यादा शोर सुनाई देगा, तो इसके लिए माफ़ करना, क्योंकि यहाँ नवरात्रि और पब्लिक भी ज़्यादा है, तो हमारे आसपास भी सारे लोग रहते हैं तो आवाज़ ज़्यादा आती है, पर कोई बात नहीं। और इसी तरह से होते हैं हमारे गांव के गरबा। तो कैसे लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे वाले ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।